हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक इनक्यूबेटर और उसकी मशीन है इसके अंदर, और ये रहा हमारा बॉक्स और हम बनाएंगे इनक्यूबेटर। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर ये थर्माकोल का बॉक्स लेने। भाई खुल जा, खुल जा, खुल गया। और खुलने के साथ साथ हम बंद भी हो चुके हैं। बंद हो गए। पिलर वाला तीर करो, तोड़ गए ना, तोड़ना ना, नुकसान हो जाएगा। बंद क्यों करा? इतनी देर आ रहा है। अरे खोल दो कोई। बस बे तो मिले बेरे दिखे, काम में लगे पड़ा देख रहे। ओ चाचा कौन लगा के जाओ उनको पट्टा चले। तो सबसे पहले कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। इसमें से ये निकला है सिखा को, और अब देखते हैं अपनी मशीन को। अमेजोन वाले ज़्यादा अच्छी पैकिंग नहीं करते। तो भाई ये है वो मशीन, तो बनाना शुरू करते हैं। इसे करते हैं और हम लग जाते हैं हम काम पे। तो आधा सामान हमने इसमें रखा है ये तरह से, और हमारा बाकी का सामान यहाँ पर है। अरे यार एक तो बार बार उठना पड़ता है। पहले ये डिसाइड कर लेते हैं लगाना कहाँ कहाँ क्या क्या। तो ये है बल्ब होल्डर एक, ये लगाएंगे हम। ये लगाऊंगा मैं इस तरीके से यहाँ पर। अब मुझे डिसाइड करना है ऐसे चुपकाऊँ किस चीज़ से, पेज से चुपका देता हूँ। उसमें होल तो है एक यहाँ और एक यहाँ, तो जल्दी से जाके पेज कस लेकर आता हूँ। तो भैया हम अब करेंगे बातें कम काम ज़्यादा, तो बस आप लोग देखो। तो भाई अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर कटिंग, ताकि हमारी इंक्यूबेटर वाली मशीन यहाँ पर फिक्स आ सके और सामने की तरफ अच्छी भी लगेगी। तो इस वजह से मैं यहाँ कटिंग कर रहा हूँ, और कपड़े भी गंदे हुए मेरे पूरे, और आवाज़ देखो कितनी मस्त आ रही है, सुनो बस। तो भाई याद है वो बल्ब होल्डर जो लगाए थे, तो वो प्लान हो गया है बेकार। और अब हम इस लकड़ी के टुकड़े पर लगाएंगे ये होल्डर और फिर फिक्स करेंगे इसमें। तो ये हमारी गन लोड, और ये पेच लगा दिया, ये दूसरा, और ये हम इसमें इसलिए होल कर रहे हैं ताकि ये तार हम साइड में से निकाल सकें। ये देखो कुछ इस तरह से दिमाग है भाई हमारे पास। अच्छा हमको सिखा रहा है भाई, कट करो वाली लाइन बेकार थी। तो अब होल्डर हो गए हैं लगाने के लिए बिल्कुल तैयार, ये देख सकते हो आप लोग। अब इसमें बल्ब लगा के भी चेक कर लेते हैं, और अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर होल ताकि इसे थर्माकोल पर मैं लगा सकूँ। गम लगाऊंगा तो गम से जल जाएगा थर्माकोल, तो इस वजह से मुझे स्क्रू लगाने पड़ेंगे। ये देखो कुछ इस तरह से। और अब मैंने यहाँ पर दोनों होल्डर लगा लिए हैं, और अब हम कर रहे हैं इनक्यूबेटर की वायरिंग। और बस आप लोग देखते रहो कैसे कर रहा हूँ मैं वायरिंग, क्योंकि समझाना बेकार है, समझाने के लिए वैसे ही बहुत वीडियो पड़ी हैं यूट्यूब पे। उसके बाद भाई वायरिंग मुझसे होने रही थी, तो मैं दोबारा से आ गया किस पे बताओ, यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब बाबा की जय। यहाँ पे आधा घंटे ऐड देखने के बाद हमारी वीडियो सामने आई, फिर मैंने देखा कैसे कैसे वायरिंग करनी है। बिल्कुल अच्छे से समझने के बाद अब मैं करने लगा हूँ इसकी सेटिंग। तो भाई इस इनक्यूबेटर की सेटिंग भी होती है कि अपनों कितना टेम्परेचर रखना है कितना नहीं रखना। तो मैंने इसमें सेट किया है 37.7, क्योंकि यही टेम्परेचर चाहिए एक अंडे को उसमें से
बच्चा निकलने के लिए। तो भाई अच्छे से वीडियो देखने के बाद भी मुझे दोबारा फ़ोन की ज़रूरत पड़ी गई, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कैसे करनी है वायरिंग और कैसे इसको सेट करना है। तो फ़ोन को रखा मैंने साइड में और अपना ही दिमाग लगाने लगा मैं। एक बार मैंने फिर से सारी वायरिंग खोली और दोबारा से सारी वायरिंग करी, रिले की जैसे होती है ना, आप लोगों को पता है जैसे रिले की होती है, फिर मैंने उस तरह से इसकी वायरिंग करी। और फिर तो भाई अब सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, सेटिंग वगैरह भी हो चुकी है, इनक्यूबेटर की फायरिंग भी हो चुकी है, तो अब ऑन करते हैं। चल गया भाई, मज़ा आ गया, हमारा इनक्यूबेटर कामयाब हो गया। ओए आहूँ आहूँ, ओए बल्ले बल्ले। ये देखो भाई, अच्छे से चेक भी कर लिया मैंने, बिल्कुल सही तरह से चल रहा है, ये देख सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद मैंने इसमें लगाए कुछ एग्जॉस्ट फैन ताकि हमारे अंडे पर हवा जाए। हाँ तो दोस्तों, ये किसी ने ताली वाली नहीं बजाई थी, ये हमारे जो एग्जॉस्ट फैन जो मैंने लगाए थे उनके फटने की आवाज़ थी। ये देखो बिल्कुल काले हो चुके हैं, काले तो थे ही, दरअसल इनकी मोटर अंदर जो थी वो काली हो चुकी है जलने से। और ये इस वजह से जला है क्योंकि हमारा ये जो इनक्यूबेटर है ये देता है एसी करंट। एसी करंट वो होता है जो हमारे पूरे घर में रहता है, प्लग वगैरह में, उसको बोलते हैं हम एसी। और जो हमारे मोटर वगैरह बैटरी जो होती है 9 वोल्ट वगैरह वाली लिथियम बैटरी, उनमें होता है डीसी करंट। तो ये फ़ैन थे उस डीसी करंट से चलने वाले और मैंने लगा दिए एसी हैं और ये उस वजह से फट गए। तो अब मैं कल जाऊंगा दोबारा से लेकर आऊँगा बाज़ार से एसी एग्जॉस्ट फ़ैन और वो लगाऊंगा इसमें। तो अभी के लिए तो हम यूँ ही काम चला सकते हैं इससे। तो हम बिल्कुल अच्छे से सारी टेपिंग वेपिंग कर लिए मैंने सारे वायरों पर, तो अब देखते हैं आगे क्या करना है। फिर मैंने इसको एक लास्ट बार चला के देखा कि सही से चल रहा है नहीं चल रहा, और फिर मैंने सबके ऐप लगा के आराम से बिल्कुल इसके पास ही बैठ गया, बैठ के गया, लेट गया, अच्छे से देखने लगा बढ़िया तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा। तो इसको 37 पे कट होना है और हो गया 37.7 पे कट हो गया, तो बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। तो हमने जो भी कचरा फैलाया था अब उसको साफ़ सफाई कर लेता हूँ यहाँ से थोड़ी बहुत। अरे किधर जा रहे हो भाई लोग? यार मैं ये कह रहा था अगर एक अंडा दे देते तो सही रहता, यार दे दो ना एक अंडा। हाँ। चलो भाई अभी तो अंडे दे नहीं रहे, जब ही अंडे देंगे तो मैं पूरी 28 डेज की वीडियो बनाऊंगा कि अपने इनक्यूबेटर में रखूंगा उस अंडे को और देखते हैं उसमें से निकलता है नहीं निकलता बच्चा। बाय।